पेरेंट्स, अतुल्य डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में कराना चाहते हैं? तो सबसे पहले जानिए उसका एज क्राइटेरिया। क्या आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के बीच में पड़ता है? या फिर आप दूसरा क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं, क्या उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में पड़ता है? तो डियर पेरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बनने वाले हैं प्राउड पेरेंट्स। आपका बच्चा बनेगा फ्यूचर ऑफिसर अगर वो एनडीए में एडमिशन ले पाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं एनडीए से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन। एनडीए में एडमिशन के बाद आपके बच्चे को मिलती है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही विंग्स की ट्रेनिंग। इन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के बाद आपका बच्चा इन तीनों में से किसी में भी अपने करियर को बना सकता है। एनडीए में एडमिशन लेने के लिए होता है एक एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का होता है। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी आप दो तरीके से अपने बच्चे को करा सकते हैं। या तो आप उसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करवाइए, या फिर आप उसे डिफेंस या मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन दिलाइए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर आप एडमिशन्स लेते हैं तो यहाँ पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरी तरफ मिलिट्री और डिफेंस स्कूल्स में बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है। जैसे फिलहाल आपके बच्चे जिन स्कूल्स में होंगे वो स्कूल्स आपके सिर्फ सिंपल करिकुलम के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये जो स्कूल है डिफेंस और मिलिट्री स्कूल्स हैं, ये डिफेंस करिकुलम के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिलहाल जिन स्कूल्स में आपके बच्चे होंगे उनमें सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन डिफेंस और मिलिट्री स्कूल्स में एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे डिफेंस और मिलिट्री स्कूल्स कौन से हैं? तो फिलहाल इंडिया में बहुत ही मशहूर जो स्कूल्स हैं वो हैं सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। वैसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, इसी में APS दीक्षा ही आता है। तो ये सभी स्कूल बहुत ही टॉप लेवल के डिफेंस और मिलिट्री स्कूल्स हैं। अब इन स्कूल्स में भी आप बहुत आसानी से एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उनको एडमिशन लेने के लिए, यानी कि अगर आप इन स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो यहाँ पर भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट किए जाते हैं। बिना एंट्रेंस टेस्ट के आप इन स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इन स्कूल्स की वेटेज देखिए, अगर हम बात करें ये क्यों इतने ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा 4th, 5th, 6th में ही है तो वहीं से आपके बच्चे को इस लेवल की तैयारी कराई जाती है, यानी कि यहीं से 4th, 5th, 6th में ही बच्चे को एक ऑफिसर की फील कराई जाती है। वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है और उसकी तैयारी, उसकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, इस करिकुलम से होती है कि वो बचपन से ही, क्या फिर आप कहें 4th, 5th में ही जब वो है, तब से ही अपने आप को एक ऑफिसर लेवल की थॉट रखता है। तब जाके वो एनडीए तक के जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ तक वो बच्चा पहुँच पाता है। तो ये जो स्कूल्स हैं ये आपके बच्चे का बेसिक बनाते हैं। अगर आपके बच्चे का बेस बहुत अच्छा है और क्लियर है तो आप बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, और यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट इनके जैसे ही होते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट लेवल के। तो यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो हम लोग हैं अतुल्य डिफेंस स्कूल। तो हम अतुल्य डिफेंस स्कूल जो है वो इन स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन्स को करवाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराते हैं। ध्यान रहे पेरेंट्स कि हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हम लोग स्कूल है। हमारे स्कूल में भी आप इस तरीके का डिफेंस करिकुलम, एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस ही पाएंगे। हम ये काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं, जैसे कि अगर आप अतुल्य डिफेंस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट करते हैं तो यहाँ से उसका बेस बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका बच्चा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेता है, एकेडमिक्स की क्लासेस लेता है। उसकी तैयारी हम करवाते हैं यहाँ पर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या फिर आप कह सकते हो डिफेंस या मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए हम उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे यहाँ तुल्य डिफेंस स्कूल ADS जो है वो बच्चों का बेस बनाता है। तो जो कॉम्पिटिशन और फीवर वो 12th एंड ग्रेजुएशन में लेता है, उसको हम
इनिशियल स्टेज पे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा और इलैबोरेट करके हम बता देते हैं कि अतुल्य डिफेंस स्कूल यानी कि हम टोटली बेस्ड है, जो हमारा करिकुलम वो है सैनिक और मिलिट्री स्कूल पे। तो सैनिक और मिलिट्री स्कूल में भी आपको डिफेंस करिकुलम देते हैं, तो डिफेंस करिकुलम हम आपको दे रहे हैं वो भी सैनिक और मिलिट्री स्कूल वाला। साथ में हम आपको एकेडमिक्स दे रहे हैं, एकेडमिक्स यानी कि फोर्थ से लेकर नाइन्थ तक की जो क्लासेस होती हैं वो हम ऑपरेट करते हैं, जिसके साथ साथ बच्चे को कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो हम देते हैं एकेडमिक्स प्लस कॉम्पिटिटिव की क्लासेस। एकेडमिक्स होती हैं 4 to 9, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव की क्लासेस जो देते हैं उसमें हम बच्चे को पढ़ाते हैं क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। फैकल्टीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी हमारे पास में, क्योंकि हमारे यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं बिल्कुल एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट में, एक्सपर्टीज़ हैं अपने अपने सब्जेक्ट की, हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारे यहाँ की एक फैकल्टीज़ को 10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो फैकल्टीज़ की नो डाउट कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि हम आपको एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव्स दोनों चीज़ें देते हैं, जिनकी वजह से बच्चा जो है वो एक अच्छा खासा बेस बना लेता है, और एक बार बच्चे का बेस बन जाए तो वो ईजिली सैनिक और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम बच्चे को पुश करते हैं, और एक बार बच्चा यहाँ पहुँच जाता है तो उसको NDA, FCAT और CDS जैसे एग्जाम्स क्लियर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा हम और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देते हैं, जैसे हम आपको देते हैं हाइजेनिक मेस फैसिलिटीज़, जहाँ पे खाना बहुत ही बेहतरीन होता है, साथ के साथ में सेफ एंड सिक्योर हॉस्टल फैसिलिटीज़ जहाँ पे हमारे जो वार्डन हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, स्विमिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं जो कि एक्सपर्ट के अंडर होती है, हॉर्स राइडिंग है जो कि अगेन एक्सपर्ट्स के अंडर ही करवाई जाती है, गेम्स या फिर स्पोर्ट्स हमारे पास हर एक है, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हों चाहे वो इंडोर एक्टिविटीज़ हों, और ये सभी हमारी एक्सपर्ट्स के अंडर ही रहती हैं। साथ के साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी दी जाती है, और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। डियर पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से हम सभी को लॉकडाउन की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे बच्चे, क्योंकि इनकी पढ़ाई अब बीच में लटक चुकी है। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है e-learning. e-learning में हम आपके बच्चों को देंगे ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी डेट अब हम फाइनलाइज कर चुके हैं, और इसकी डेट है 1 May 2020, यानी कि 1 May से आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, जैसे कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सभी की तैयारी हम अब इनको ऑनलाइन कराएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे ही होगा आप अपने बच्चे को हमारे साथ में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सिंगल फी के हम आपके बच्चों को देते हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको 2 steps फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला स्टेप्स है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए, जैसे यूट्यूब से जुड़ने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल खोलने के बाद ऊपर सर्च बार में टाइप करना है youtube.com टाइप करके एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर YouTube का जो प्रीफेस है वो ओपन हो जाएगा, और ऊपर सर्च में आपने लिखना है अतुल्य डिफेंस स्कूल। तो इस सर्च बार में आप लिखेंगे अतुल्य डिफेंस स्कूल और लिखने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर YouTube में अपना अतुल्य डिफेंस स्कूल जो है वो ओपन हो चुका है। तो अतुल्य डिफेंस स्कूल का लोगो, लोगों के बाद सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा जो कि रेड कलर में, आप इसको दबाएंगे, दबाने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब्ड आ जाएगा। इसके बाद आप अतुल्य डिफेंस स्कूल पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा एक होम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ वीडियोज नज़र आने लगेंगे। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके साथ में आपको एक बेल बटन दिख रहा है, तो बेल बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आप हमारे साथ अपडेट नहीं रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस को अवेल करने के लिए अपडेट होना ज़रूरी है, तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आप हमारे साथ सब्सक्राइब हो चुके हैं।
हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अवेल करने के लिए दूसरा स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है, वो दूसरा स्टेप है कि आप हमें कॉल करें इन नंबरों के ऊपर, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने से पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए आपको इन नंबर पर कॉल करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है पेरेंट्स, तो प्लीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इसलिए है ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही प्राइवेट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पर चलाएंगे और कोई भी इसको देख सकेगा, ये सिर्फ वही बच्चे देख सकते हैं जो हमारे साथ रजिस्टर होंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पर उन्हीं के लिए जो हमारे साथ रजिस्टर होंगे। तो जिसके अब इसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो रजिस्टर होने के लिए या तो आप हमें कॉल कीजिए या फिर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इस लिंक का जो भी फॉलो अप होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक वाइस वर्सा है, या तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबरों पर या फिर हम आपको कॉल करेंगे इसके थ्रू। ये इसलिए है ताकि आप हमारे साथ रजिस्टर हो सकें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस आपके बच्चों को देंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो डियर पेरेंट्स, हमसे जुड़ने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला, आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दूसरा, आप हमें कॉल करें या फिर हम आपको कॉल करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल प्राइवेट होंगी, ये हर एक बच्चे के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी जो हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों में शेयर कीजिए, अपने नोन्स में शेयर कीजिए, ताकि इन ऑनलाइन क्लासेस, इन फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा हर कोई उठा सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।